जिस दिन इंडी गठबंधन बना था हमने कह दिया था ये बेमेल गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, इनमें ना लोगों के विचार एक है और ना दिल एक है, केवल मोदी जी की लोकप्रियता से घबराकर यह बेमेल गठबंधन बना था जो बनने के पहले टूट रहा है। इंडी गठबंधन ने मध्य प्रदेश में रैली तय की थी, कमलनाथ जी ने कैंसिल करवा दी, घुसने से ही मना कर दिया, रोक दिया। जिस दिन से यह गठबंधन बना, ये अजीब गठबंधन है, दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, ऐसे कहीं होता है? ये तो 2024 के लिए बना है। और अभी अभी जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको एक साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे बाद में धोखा दे दिया, उनके कार्यकर्ता रात भर जगे बिठाया और जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनने चिरकुट जैसे, इससे उनके मन की स्थिति समझी जा सकती कांग्रेस ने कितना धोखा दिया है। और कांग्रेस आपस में भी धोखा दे रही है। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आप भी बाहें चढ़ा के सामने खड़ी है, काहे का गठबंधन है? और आश्चर्य के साथ जनता इस गठबंधन को देख रही है कि जब आज इस गठबंधन की स्थिति है कि आपस में लड़ रहे हैं तो इनके हाथों में देश का भविष्य कैसे होगा, प्रदेश का भविष्य कैसे होगा? कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई, कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं, एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है, इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं, ये घमंडिया लोग बिखर गए और ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं ये गठबंधन कैसा है।